नमस्कार आमना सामना को आपण को स्वागत एवं संभाव्य बात्या यस को नहीं समस्त चिंता रहे यह मे 26 तारीख बेलू को स्थलभाग स्पर्श कर पूर्वानुमान करा समय पूर्व बात्या को नहीं सठिक पूर्वानुमान जो लोक समय मिलूँ बात्यार मुकाबला करने किंतु किछि वर्ष तळकु जदि चली जा एभली स्थिति नथिला लोक माने पाणिपाग विभाग सूचना उपरे संपूर्ण भरोसा करि पारु नथिले बात्यार प्रकोप आ गति को नहीं द्वंद्व रहुथुले किंतु डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र निर्भुल आकलन जोगु एबे बात्या केउं समय रे आ केउं स्थान रे स्थलभाग को स्पर्श करिबो तार एकदम सठिक आकलन लोकंक पाखरे समय पूर्वरु पहुंची पारुछि जेउति पई एबे बहु धन जीवन मध्य रक्षा होई पारुछि सेथिलागि सारा देश रे साइक्लोन मैन भाव में परिचित डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जितेबाड़े देश उपरकू कौन सी प्राकृतिक विपत्ति आसुची समस्त नजर रहुची डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सूचना उपरे खासकर बात्या संपर्क में सठिक आकलन तांकु साइक्लोन मैन भाव में सारा देश में परिचय देश तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सब चिंता रही किंतु ओडिशा प्रति सबुबले स्वतंत्र ध्यान रही आसी आम पाई गर्वर विषय हो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जड़े ओडिया अर्गस नुआशार नुआ पीढ़ीर भविष्य प्रतिनिधि आज देशर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिबा चारिज ओडिया केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अध्यक्षतार एक समीक्षा बैठक करते ये समीक्षा बैठक में केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान और भारतीय पाणिपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र बात्या यश्रु ओडिशा प्रति रही विपद आवतार मुकाबला संपर्क में समीक्षा करते आज आम डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र आमना सामना डॉक्टर महापात्र आपण को आमना सामना को बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर महापात्र जितेबले यश को लेकिन समस्त चिंता रही ओडिशार लोक मैंने विभिन्न प्रकार आकलन करणिपाग विभाग तार आकलन जनाऊँ किंतु वर्तमान समय तार एग्जाक्ट स्थिति कौन क्यों स्थान रे बात्या रही कौन वर्तमान लाटेस्ट अपडेट कौन रही आपण प्रथम मैं दर्शकों पाखे पहुँचे चाहिए आज सका गोटे लो प्रेशर एरिया अर्थात लघुचाप क्षेत्र पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि होता यह क्रमशः घनीभूत होवार लगी आज सन्धार से ही स्थान यह गोटे वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया हिसाब से स्थित अच्छी यह धीरे धीरे घनीभूत हो आसंता काली गोटे डिप्रेशन अर्थात अवपात परिणत हो उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 24 तारीख में यह गोटे साइक्लोन स्टॉर्म अर्थात बात्यार परिणत हो धीरे धीरे यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे यार गति चालू रख 26 तारीख संध्या समय रे पश्चिमबंग उपकूल एवं यार निकटस्थ उत्तर ओडिशा उपकूल एवं बांग्लादेश उपकूल को अतिक्रम करिवो एही अतिक्रम करिवा समय रे यह गोटे भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म अर्थात अति प्रबल बात्या भावरे स्थित थिवो एवं जेतेबेले आमे भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म कही था एही कैटेगोरी रो पवन रो बेग होउछि 120 किलोमीटर रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा एबे जो विश्लेषण करा जाउछि जे एही गोटे भेरी सीभियर साइक्लोन स्टॉर्म हिसाब रे उपकूल को अतिक्रम करिवो किंतु एक्चुअली केते पवन रो बेग रहिवो ताहा निर्णित हेबो जेतेबेले आसंदा काली या गोटे डिप्रेशन बा ओपात रे परिणत हेबो यार प्रभाव रे समुद्र पृष्ठ रे वर्तमान पवन जोर रे बहुचे समुद्र अशांत रही स्क्वाली वेदर रही वर्षा मध्य प्रबल होउछि अंडमान निकोबार आइलैंड्स एवं यार निकटवर्ती अंचल मानक तेणु से सबू अंचल 24 तारीख जाए यह रहिबो दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर एवं अंडमान सागर तेणु सेठी जहाज चलाचल ट्रलर्स बोट्स बा डंगा चलाचल संपूर्ण भाव में निषिद्ध करा जाउछि आमे संपूर्ण भाव में सतर्क सूचना देछु जे कौन सी जहाज बा कौन सी मत्स्यजीवी भाई डंगा सहित से एरिया को जीवा उचित नुहे 24 तारीख पाखरु 27 तारीख जाए
उत्तर बंगोपसागर एवं यार निकटस्थ केन्द्रीय बंगोपसागर मध्य अशांत रहिबो। पवन वेग 24 तारीख संध्या पाखरु उत्तर बंगोपसागर रे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हेबा सहित धीरे धीरे बढ़ी 25 तारीख सकाळे 50 रु 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 26 तारीख सकाळे एहा पाखापाखि 90 रु 100 किलोमीटर प्रति घंटा वेगरे प्रभावित हेबो। एवं धीरे धीरे जेतेले बात्या उपकूल निकटतर हेबो पवन वेग बढ़िबारे लागिबो। तेणु 24 तारीख पाखरु उत्तर बंगोपसागर एवं निकटस्थ केन्द्रीय बंगोपसागर को कौनसी मत्स्यजीवी भाई जहाज किंबा ट्रेलर इत्यादि जीवा उचित नुहे, कारण यह विपज्जनक अटे। मुझे रखे ये पवन एवं समुद्र स्थित आम कहूँ से समुद्र पृष्ठ से जो ढे उठे से ढेर उच्चता पखापाखि 14 मीटर हो पाए, तेणु समुद्र भयंकर स्थित थी समय तेणु कौन मत्स्यजीवी भाई समुद्र मध्य जावा उचित नुह रहा उचित नुह। जो मैंने भितर अच्छा से उपकूल को निश्चित जिते शीघ्र संभव फेरी आसवा उचित एवं जहाज गुड़िक एरिया को दूरे रहा दरकार, कारण जहाज गुड़िक चलाचल करवा विशेष कष्टकर हे एवं विपत्ति सृष्टि करें। बर्षा जदि आप देखिए ओडिशा उपकूल विशेषतः उत्तर ओडिशा उपकूल 25 तारीख संध्या पर सामान्य रु मध्यम धरण वर्षा आरंभ हो पारे। 26 तारीख में वर्षार परिमाण बढ़िबो एवं 26 तारीख में बेसी वर्षा आम अनुमान कर पश्चिमबंग जो गांगेटिक वेस्ट बेंगल से अधिक वर्षा हेबो। पाखापाखि जिला सब जो रही आमर उत्तर ओडिशा से अधिक वर्षा रहिबो, प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे अल्प केतेक जगार। तेणु आम वर्तमान स्थित यहाँ नियंत्रण करुछु निरीक्षण करुछु, यार अपडेट पुणे काली प्रदान करा जीवो, किंतु आज स्थित को नहीं आम समस्त प्रकार चेतावनी प्रदान करिछु केन्द्र स्तर रे राज्य स्तर रे एवं लोक मानकु मीडिया मानको माध्यम रे। डॉक्टर महापात्र आम केते बेल सुधा आम कही पारिबा एग्जैक्ट बा पानीपाग विभाग पक्षरु गोटे आकलन आसी पारिबो जे एग्जैक्ट को स्थान रे स्थलभाग को स्पर्श करिबो ए बात्या? आमे एही बात्या विषय रे 19 तारीख रे प्रथम सूचना देबा आरंभ कलु, जेतेबेले कि कोनसे घूर्णी बलय मध्य सृष्टि होइ नथिला। सारा विश्व जदि आपण देखिबे बात्यार प्राक सूचना तेबे केही लो प्रेशर एरिया बा डिप्रेशन सृष्टि हो पूर्वरु बात्यार प्राक सूचना देइ नथांती। एही प्रकार जो फोरकास्ट पूर्वानुमान दिया जाए ताहाकु प्री जेनेसिस फोरकास्ट कहा जाए। जेहेतु आमर बंगोपसागर टी गोटे छोटिया समुद्र अंचल एवं यह अल्प समय मध्य आसी उपकूल पहुँची पारे, तेणु आम यही प्रकार पद्धति ये प्रयोग करुछु। किंतु जेहेतु बर्तमान सिंपली गोटे लो प्रेसर एरिया रही अतिक स्ट्रंग होना, तेणु यार जो बर्तमान गतिपथर पूर्वानुमान जदिव विभिन्न मॉडल मानक आपुं ता से सठिक हो नपे जितेबाला यह गोटे अवपात व डिप्रेसन रूप नेब काली सेतेबेले यार गतिपथर पूर्वानुमान अधिक सठिक रहिबो। तेणु आम आसंता काली जितेबाला यह अवपात व डिप्रेसन में परिणत हेबो सेतेबेले यार गतिपथ निरूपण करिबो एवं पूर्वानुमान देबो एवं से अनुसार केउ स्थान रे एक्जाक्टली यहाँ पहुँचवार संभावना रही तहार मध्य पूर्वानुमान देबो। किंतु अंततः आज जो पूर्वानुमान आम देचु से आम निर्दिष्ट कर देचु जे यह पश्चिमबंग उपकूल एवं तार निकटवर्ती अंचल उत्तर ओडिशा एवं बांग्लादेश देकि भूपृष्ठ को पहुँचब। तेणु डॉक्टर महापात्र जो स्थिति आज जो आकलन अच्छी परिवर्तन घटवार संभावना रही कि आज जो आकलन दिखाई ये गोटे ब्रोड स्केल आकलन दिखाई किंतु यह अधिक सूक्ष्म माने अधिक ग्रेनुलर मेनर रे अधिक एक्युरेसी सहित प्रदान करते आम आहरी अधिक पाखुपाख जा उपकूल निकट को अर्थात आसंता काली एवं पहर दिन में स्पष्ट चित्र आसिबो एवं जिला स्तर भित्तिर केते गुडी कोंठी कि भली वर्षा हेबो केते पवन बहिबो सामुद्रिक द्वारा केते आसिबो तार सब संपूर्ण विवरण नै विभिन्न समय देखा दै छि। बात्या शेष मुहूर्त रे तार गतिपथ बदलै दिए गोटे स्थान आकलन करा जाय थै एवं आउ गोटे स्थान रे माड़ हुए, तो से भली संभावना एथिरे आपण केते दूर देखछोंते ए क्षेत्र रे? हां, बात्या गोटिए डायनामिकल सिस्टम एथिरे विभिन्न प्रकार रो फोर्सेस काम करू थाय। मु गोटे भलो उदाहरण देबी, आपण जेतेले मन करंतु जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ दर्शन पई जाउछंती
गुड़ाए लोक जाऊँ सांगे आपड़ चाहूँ सीधा जावाई कि सीधा जापारे ना कारण आपण को किए पुश करुए किए पुल करुए तेणु आपड़ चाहिए न जाकि जिग्जाग रूट्रे जा कर गोटे जोबले बात्या गोटे एटमोसफियर और ओसनिक प्रोसेस मध्य गति करुच्ची गुड़ाए फोर्स रही ओसन रु एटमोसफियर रु लार्ज स्केल पारामीटर्स प्रोसेस रही सहित बात्या मध्य जार जो स्ट्रक्चर रही जमीक आई आई वाल स्पाइरल बैंड्स से परस्पर भितर फोर्स रही है इंटराक्ट कर जो मेघ गुड़िक रही प्रत्येक मेघर मध्य किटा फोर्स रही परस्पर इंटराक्ट करनि प्रकार स्मलेस्ट फोर्स आरंभ कर लार्जर फोर्स जो रही परस्पर इंटराक्शन करके स्थिर करते ये बात्या कौन कि गति कर तेनाली राडार देखिए प्रति दस मिनिट्रे कमी बात्या गति करुच्ची कारण प्रति दस मिनट राडार पिक्चर मिले आप देखिए रास्ताटा जिग्जाग स्ट्रेट नुहे तेणु जिते आम प्रति तीन घंटे थे बरणी दे था स्मूथ ट्राक दे था तेणु मुझे कह रखे जे बात्या यही गतिशील डायनामिक होता हेतु तहार गतिपथे पर पारे किंतु एबे गत दुई दिन तीन दिन धरी जहाँ आम देखुचु आमर जहाँ विश्लेषण रही आमर जो तथ्यभित्तिक विश्लेषण रही पर्सनल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को यदि आधार कराए तेबे यार विशेष किसी गतिपथ पर कौन कारण ना यही अंचल दे बात्या गति कर कितु एक्जाक्टली क्यों पथ दे कि क्यों पॉइंट पहुँच तार पूर्वानुमान आम आसंता काली देवा आरंभ करवा आसंता काली सुधा गोटे स्पष्ट चित्र मिल जाए डॉक्टर महापात्र आपण आम सहित जोड़ी हो रही है आगक आहरी अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आपण दर्शक जानवापी चाहिए आम मध्यम कितु समय हो कार्यक्रम गोटे छोट विरती नहीं जा खूब शीघ्र फेर आमना सामने आम सह अच्छा भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र डॉक्टर महापात्र ओडिशा उपरे प्रभाव रसंता काली सुधा स्पष्ट चित्र आसीबो जहाँ कहते तेबे केवल उत्तर ओडिशा उपरे यार प्रभाव रहा ओडिशार अन्य जिला को मध्य प्रभावित करि पारे क्यों क्यों जिला उपरे बेसी प्रभाव पड़िबो देखंतु जतेबेले बात्याटी केन्द्रीय बंगोपसागर रो उत्तर बंगोपसागर आड़ को मुहाँ थी 24 तारीख रु 25 तारीख से ही समय धीरे धीरे उत्तर बंगोपसागर जो अंचल रही अशांत हो पवन रेग बढ़ो ये जो 40 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा पवन कथ मुझे ता समग्र ओडिशा उपकूल दक्षिण ओडिशा उत्तर ओडिशा उपकूल आरंभ हो उत्तर ओडिशा उपकूल अधिक बढ़ो दक्षिण ओडिशा उपकूल अधिक बढ़ी 50-60 हो पारे किंतु उत्तर ओडिशा विशेषकर अधिक पवन बढ़ 25 तारीख पाखर एवं सबुठ अधिक पवन पश्चिमबंग निकटस्थ जो सब जिला आमर रही से पाखे अधिक सबुठ पवन होवार संभावना रही किंतु यदि वर्षा कथा कहे वर्षा आपणकर उत्तर ओडिशार जो उपकूलवर्ती जिला रही वर्षा आरंभ हो 25 तारीख में किंतु आभ्यंतरीण जिला सब रही वर्षा हे 26 तारीख में 27 तारीख में कारण यो बात्याटी वर्तमान पश्चिमबंग उपकूल और यार निकटस्थ उत्तर ओडिशा एवं बांग्लादेश उपकूल को अतिक्रम करें आम अनुमान करुचु यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे जावापर पुणी गांजेटिक वेस्ट बेंगल हो झारखंड आड़ को मुहाँब जार कि प्रभाव जो आभ्यंतरीण ओडिशा जिला सब रही जपरिक सुंदरगढ़ मयूरभंज केउंझर इत्यादि से सब आपर प्राय सब स्थान वर्षा होगा सहित गोटे दुईट जगार हेवी टू भेरी हेवी रेनफल हो पारे विशेषतः मयूरभंज जिले में पवन प्रभाव रहा से पवन अधिक हो पारे किंतु केते अधिक हम क्यों समय हम तार डिटेल्स आम का प्रदान करवा जिते बड़ा गोटे डिप्रेसन अवपात परिणत हो डॉक्टर महापात्र जे देखा जे ये मे मसरे बात्या आसवर ट्रेंड गत दुई तीन वर्ष होगा ओडिशा आरंभ हो फनी आसी दुई वर्ष तले अम्फन आसला गत वर्ष एवं आसला यस आसवाक जाऊँ तो ये मे मसरे पूर्व आम देखते केवल अक्टोबर सेप्टेम्बर मसरे बात्या ओडिशार सृष्टि होता किंतु खरा दिन मे मसरे लगातार भाव में बात्या आसवा या पछरे कौन कारण आपको लगुच साधारणतः बंगोपसागर एवं अरब सागर में दुईट ऋतु बात्या सृष्टि होता है गोटे हूँ एप्रिल मे जून अन्यटी हूँ अक्टोबर नवंबर डिसेंबर
एवं एप्रिल मे जून ऋतु जदि आप देखिए ए मे मसरे सब अधिक बात्या सृष्टि होता है ओडिशापाई एवं से भाई अक्टोबर नवंबर डिसेंबर मध्य अक्टोबर मसरे सब बेसी बात्या ओडिशा को प्रभावित करें जदि अधिक फ्रिक्वेन्सी आलोचना करेंगे तेज अक्टोबर मसरे बेसी होता है मे मसरे कम होता है किंतु निश्चय आगर मध्य बात्या मे मसरे ओडिशा उपकूल को अतिक्रम करिछि। हाँ यह सत जे गत तीन वर्ष धरी कंटिन्यूअसली ओडिशा उपकूल मे मसरे भेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म द्वारा प्रभावित होउछि। तेबे क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट अछि कि नाही, जलवायु परिवर्तन प्रभाव रे एही बात्यार फ्रिक्वेन्सी इंटेंसिटी बढ़ुछि कि नाही, ताकु विश्लेषण करिया पई इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप गठन करा जायतिला, मु तार गोटे मेम्बर आम सब जो बलय बर्तन बात्या सृष्टि होता है सब विश्लेषण करापुर देखाला जे बे अफ बेंगल जो भेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म सब उत्पत्ति होार फ्रिक्वेन्सी कौन परिवर्तन होना रिसेंट इयर्स किंतु आप जो कथा कहले तीन वर्ष लगालगे देखा मिलूँ यहाँ गोटे इंटरेनुआल भेरिएबिलिटी एमती हो पाए किसी वर्ष देखा नजर पुणी देखा जापे कि लंग टर्म भित्ति में दीर्घकालन भितर जब आप आलोचना करेंगे तेज यार स्थित विशेष किसी परिवर्तन ना। अपरपक्ष जदि आरबियान सी आरब सागर कथा कहते सेठे 1990 भेरी सीभीयर और एक्सट्रीमली सीभीयर साइक्लोन स्टॉर्म जो बारंबार अथवा फ्रिक्वेन्सी बढ़िवार लगुच्छे एवं यहाँ को केते परिमाण रे क्लाइमेट चेंज सहित तो जोड़ा जाई पारे। ओके तो क्लाइमेट चेंज सहित तो यार संपर्क कथा को संपूर्ण एड़ा जाई न पारे किंतु ए कथा ओडिशा सामना करुछे लगातार गत किछि वर्ष धरिकी। डॉक्टर महापात्र आपण आम सहित तो जोड़ी होकर रहिबे, आम परवर्ती समय आहुरी अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा आपण जानिया को चाहिबु किंतु समय होइछि कार्यक्रम आ गोटे छोट ब्रेक नै जिबा, खूब शीघ्र फेरिबा। विरती पर पुणि थे स्वागत आमना सामने आम सह अच्छा भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। डॉक्टर महापात्र आज एक गुरुत्वपूर्ण समीक्षा होता ओडिशा संपर्क में खास करी जोटी की केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रताप षडंगी आपण थे एनडीआरएफ डीजी थे तो कौन ए विशेष भाव में कौ प्रसंग उपर आलोचना है कौन समीक्षा थी। एक्चुअली माननीय मंत्री महोदय ओडिशार ये जो बात्याटी आसुचे किभली प्रभाव पड़ब एवं से किभली प्राक प्रस्तुति चली कौन पदक्षेप निया दरकार से सब नहीं आलोचना करते विशेषतः मो पाखु जानकु चाहते जे वर्तमान स्थिति कौन अच्छी विशेष कौन एरिया उपरे यार प्रभाव पड़ब जमी आपन को कहते से अनुसार पुंगानुपुख आलोचना हला एवं प्रबंधन पर एनडीआरएफ तरफ कि प्रकार सब पदक्षेप एवं केंद्र सरकार तरफ आउ कौन समर्थन दि जाए पार से विषय आलोचना करागला एवं समस्ते मिसिकी काम करने एवं जहाँ कि आवश्यक से भाई पदक्षेप नापी स्थिर करागला। डॉक्टर महापात्र सारा देश में केतेबेले विपत्ति आसुची प्राकृतिक विपर्जय आसुची समस्तंकर त अपेक्षा थाए आपणक थारु केमती एग्जाक्ट इनफर्मेसन सठिक इनफर्मेसन पाइबे एवं ताहा आपण दे आसुचंती लगातार भापरे किंतु जेतेबेले ओडिशा उपरकु कोनसी विपत्ति आस्थाय प्राकृतिक विपत्ति खासकर बात्या जेतेबेले आस्थाय सेतेबेले आपणकर जने ओडिया भावरे स्वतंत्र ध्यान रही थाए कि इटा स्वाभाविक जेहेतु मु निजे ओडिशा रु एवं छोट पिलाटी दिन रु बात्यार सम्मुखीन होइछु एवं कराल चित्र बात्यार अनुभव करिछु तेणु जेतेबेले बात्या आसे निश्चय ता मन को आसी जाए तेणु सबुबले एही प्रचेष्टा चली थाए जे केमिति आमे जेते शीघ्र संभव आगुआ सूचना प्रदान करिबा सठिक सूचना प्रदान करिबा जेमिति कि डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज सेंट्रल लेवल रे एवं स्टेट लेवल रे उचित पदक्षेप नहीं पारे जनसाधारण मध्य व्यक्तिगत स्तर रे उचित पदक्षेप नहीं पारे एवं जो धनजीवन क्षय क्षति होम करें आप भल भाव जानती जे विगत किसी वर्ष मध्य क्षय क्षति को बहुत परिमाण में कम कर विशेषतः जो मृत्युवरण करती
ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ରଖାଯାଇଛି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ୍ସ କଜିଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଲା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ 1970 ଯେଉଁଟାକି ଭୋଲା ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ସେଠି 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1971 ମସିହାରେ 10,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଆମର ସେ ଏରିଆ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସହିତ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଆମର ଆର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଶେଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସାରା ଦେଶ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ହେଉନଥିଲା ଏବେ ଆପଣ ଯେତେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ସଠିକ୍ ଆକଳନ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ବାତ୍ୟା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 2 ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଓଭର ଦି ଇୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଫର୍ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଟୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସାଟ୍ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ରହିଛି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ୍ସ, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ରେନ୍ ଗେଜେସ୍, ହାଇ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରେକର୍ଡର୍ସ ଇତ୍ୟାଦି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସେଠିକି ଆସିବା ଫଳରେ ସେହିସବୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ସକୁ ଏସିମୁଲେଟ୍ କରି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମଡେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ମଡେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ 7 ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ମଡେଲ ରନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 2 ଦିନରେ ସେ ମଡେଲ ରନ୍ କରାଯାଇକି ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପ୍ ଟୁ 7 ଅର୍ 10 ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 10 PFLOPS କାପାସିଟିର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏନାଲିସିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2007 ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ସାଇମଲଟେନିଅସ୍ଲି ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାର ସୁଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଯେ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ଆକଳନ ଆଜି ପାଇପାରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଦେଶର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତ ସମୟ ହେଉଛି ଆମନା ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।